हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो जगह दिखाने वाली हूँ वो सिलीगुड़ी के काफ़ी पास में है। मैं आज एक शिवजी के मंदिर में जाने वाली हूँ जो कि सिलीगुड़ी के शाहूडांगे में है। तो मैं घर से निकल पड़ी हूँ इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। मैं अभी रास्ते से जा रही हूँ उस मंदिर की तरफ। आप लोग देख लीजिए मैं किधर से और कहाँ पर है ये शिव जी का मंदिर, मैं आप लोग को अच्छी तरह से दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। दोस्तों, मैं अभी पहुंच गई हूं शाहूडांगी शिव टेंपल। इस टेंपल पे आने के लिए आप लोगों को एनजेपी का भवेश पेट्रोल पंप तक आना है। पेट्रोल पंप क्रॉस करने के बाद आप लोग को छोटा सा गली मिलेगा राइट साइड में, उस गली से थोड़ी देर आने पे आप लोगों को ये मंदिर मिल जाएगा। इस मंदिर को बड़े ही आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं क्योंकि मंदिर के बाहर से ही इस मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, वो दिखता है। तो मैं अभी इस मंदिर में पहुंच गई हूं। पहले तो मैं भगवान का दर्शन कर लेती हूं, उसके बाद इस मंदिर को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा देती हूं। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर भोले बाबा के मंदिर के साथ साथ काली माँ जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। मैं अभी उस मंदिर के सामने बैठी हुई हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और मतलब मन को शांति देने वाला माहौल है। मैं अभी यहाँ पर बैठ के भगवान के दर्शन कर रही हूँ। मैं अभी काली माँ के दर्शन करने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे साथ इस काली माँ के मंदिर को देख लीजिए।
फ्रेंड्स, शिव जी का मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एक ऐसा ही मंदिर मुझे दिखा जिसमें इतना बड़ा एक शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर सोमवार यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि ये महादेव का मंदिर है तो हर सोमवार को यहाँ पर अच्छी तरह से पूजा होता है, तो तब काफ़ी भीड़ भी होता है। आज मैं संडे के दिन आई हूँ तो उतना ज़्यादा लोग यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप लोग भी चाहे तो मंडे करके यहाँ पर भोले बाबा जी को पूजा देने आ सकते हैं और मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मैं आज पहली बार इस मंदिर में आई हूँ, मुझे ये मंदिर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगी आप लोग भी ज़रूर एक बार इस मंदिर में विजिट करें। अभी तक ये मंदिर कम्प्लीटली बना नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। ये बनने के बाद फिर से मैं आप लोगों को एक बार ये मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक, दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।